सारे एफर्ट्स के बावजूद महिलाएं असुरक्षित हैं और हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पिछले 2 दिन के अंदर खास तौर मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कई वीडियोस चल रहे हैं जहां होली के दौरान किस तरह से कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की होली का बहाना बना के। मैं समझता हूं कि अगर हमें महिलाओं को सुरक्षा देनी है या महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना है तो उसमें DCW का भी काम है, पुलिस का भी काम है, सरकार का भी काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम तो समाज का काम है। जब तक समाज साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक एक-एक आदमी इसको अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा कि जो भी सड़क पे महिला चल रही है, जो भी समाज के अंदर महिला है, उनकी सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी है, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। हम सबको इसे अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। पर पता नहीं क्यों हमारे शहरों के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि हम सड़क पे चलते हैं, कुछ हो रहा है, मेरे को क्या, और हम निकल जाते हैं। और सबसे बड़ा केस हुआ था निर्भया का, जब उसको बस से नीचे फेंका गया और वो काफी देर तक वहां पे नग्न अवस्था में पड़ी रही और लोग अपना वहां पे जाते रहे और किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो अगर कुछ हो रहा है, ये वीडियोस भी मैं देख रहा था, जब पिछले 2-3 दिन में वीडियोस आए हैं होली के अवसर पे जब लड़कियों के साथ बदतमीजी की जा रही है, मैं देख रहा था कि आसपास लोग खड़े हैं और लोग हंस रहे हैं। ये क्या है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जब तक हम हर व्यक्ति, शहर में रहने वाला हर व्यक्ति जब तक इसमें आगे बढ़ के हिस्सा नहीं लेगा, जब तक हम इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तब तक जितनी मर्जी पुलिस लगा लो, जितने मर्जी कैमरे लगा लो, जितने मर्जी जो मर्जी व्यवस्था कर लो, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगी। बनाए महिलाओं को सुरक्षा देनी नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा महसूस करानी है। जब तक महिला सड़क पे खुलेआम जब घूम रही है और वो सुरक्षित महसूस नहीं होगी, तब तक सारे तामझाम का और सारी इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसे हमें जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, समाज की सोच बदलनी पड़ेगी।